हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरन सर क्लासेस और शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस और क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट जो है और इसका चैप्टर नंबर 8 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हूँ आपके लिए जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से है। सो आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए, आपको बताना है मार्क करेक्ट और रोंग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ समिट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। लुक एट द स्टेटमेंट्स एंड देन आई विल गिव द राइट आंसर। तो बच्चों राइट आंसर है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। इट वाज अटेंडेड बाय 170 कंट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ एनजीओस एंड मेनी एम्बेसीज। द समिट वॉज हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ UN, ये भी करेक्ट है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज वर फॉर्मली कंसोलिडेटेड एट द पॉलिटिकल लेवल, ये भी करेक्ट है। और इट वॉज ए समिट मीटिंग, तो इसको हम कहेंगे रॉन्ग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ लॉस ऑफ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सा रीज़न जो है बायोडाइवर्सिटी जो लैंड पे ख़त्म होती जा रही है उसका जो है लॉस का रीज़न नहीं है। तो राइट आंसर है फॉरेस्टेशन, क्योंकि फॉरेस्टेशन तो आपको पता है एक पॉजिटिव थिंग है। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसर्न इन द वर्ल्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो बिल्कुल सही आंसर है ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, ये एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको बताना है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब्स पब्लिश्ड ए बुक 1972 एंटाइटल लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ जो है बुक वो किसने पब्लिश की थी, कौन से क्लब ने पब्लिश की थी। येस द राइट आंसर इज द क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन सभी ऑप्शंस को उनके सीक्वेंस में लगाना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों आपने आई थिंक सो ऑप्शंस को ध्यान से देख लिया, सो लेट्स लुक एट द आंसर नाउ। आपके लिए मैं सेम कलर के जो है आंसर समझिए, आपके हेल्प होंगे, मिलते जुलते जो कलर्स हैं समझिए। येस G8 मीटिंग है जैसे जून 2005, ऐसी जो नेक्स्ट कलर्स हैं वो उसी का आंसर हैं। तो अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो भी जो है मैच द फॉलोइंग है आपके लिए। तो लुक एट द स्टेटमेंट नाउ। जैसे आपको बताना है डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो है, और लास्ट ऑप्शन। तो हम देख लेते हैं आंसर्स क्या होंगे इसमें। तो देखिए बच्चों जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो हैं हमारी साउथ की, डेवलप्ड कंट्री हैं नॉर्थ की, और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियो डिक्लेरेशन 1992 और एग्जेम्पशन टू चाइना एंड इंडिया फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, फिर से आपको इसको मैच करना है अकॉर्डिंग टू द कलर्स। मैं आपको हिंट दूंगा, इनके आंसर दूंगा। तो बच्चों इसके राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द कलर्स, मैंने उनको मार्क कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये आप तभी दे पाओगे अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस को ध्यान से सुना है जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और कंप्लीट एक समरी होती है चैप्टर की जो मैं डिस्कस करता हूँ। और इसके राइट आंसर बच्चों आपको देखने हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेंस इंक्लूड दोज बिटवीन इसराइल, सीरिया एंड जॉर्डन इन द डैश एंड डैश, यानी आपको ईयर्स बताने हैं कब, ओवर अटेम्प्ट्स बाय ईस्ट साइड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम, और ये आपके जो हैं ऑप्शंस के साथ राइट आंसर हैं बच्चों 1950s, 1960s, जॉर्डन और यारमुक। और क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है बच्चों, ऐसा कौन सा फ्रेज है जो कि इंडिजेनस पीपल यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, रेफर टू देयर कॉन्टिन्यूड ऑक्यूपेंसी ऑफ द लैंड्स फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। तो एक फ्रेज है बड़ा कॉमन सा इस चैप्टर को अगर आपने ध्यान से देखा हो, पढ़ा हो, और इसका सही आंसर है सिंस टाइम्स इमेमोरियल। ये अक्सर पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन आ भी सकता है इस साल भी 2020 में। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें जो डिस्क्रिप्शन है इंडिजेनस पीपल इज जनरली अप्लाई टू द, आपको बताना है किनको, हु कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो 8% जो है वर्ल्ड की जो
सॉरी कंट्री की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट है उनकी, ये लोग कौन है एक्चुअल में? और इसका राइट आंसर है शेड्यूल ट्राइब्स पीपल हैं। अब चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की कॉलम में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे ही 12 में आप चलिए ट्रू और फॉल्स, और 13 में भी चलिए। सो लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन आई विल गिव द राइट आंसर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में जो डेवलप्ड कंट्री हैं नॉर्थ की, दे वांट टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल इश्यूज एज इट स्टैंड्स नाउ एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। जो डेवलप्ड कंट्री था वो यही चाहती हैं कि सभी को जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, चाहे उनका रोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो। लेकिन सच तो ये है कि डेवलपिंग कंट्री ये नहीं चाहती। लेकिन हमें डेवलप्ड कंट्री के व्यू पॉइंट से बताना है तो ये आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू ऑफ कोर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो टारगेट सेट करता है डेवलपिंग कंट्री के लिए टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। क्या लगता है बच्चों आपको? तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स आएगी, क्योंकि इसमें देखिए डेवलपिंग तो था लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी सेम था क्योटो प्रोटोकॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द UNFCCC एक्नॉलेजेस दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट हिस्टोरिकल एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये भी गलत है। और सही आंसर क्या है? फॉल्स। तो मैं आपको बच्चों आंसर्स मार्क करके देता हूँ। और बच्चों इसी के साथ अब हम चलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स जो है, इट्स ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई। एक्चुअल में आपको बच्चों इसका आंसर ऐसे ही देना है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच काउंसिल फॉर इंडिजेनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन 1975। तो इसका राइट आंसर है द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस पीपल। इसका राइट आंसर है द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस पीपल। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखती है, व्हाट वाज शॉर्टकमिंग्स ऑफ एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 जो है वो बायस्ड माना गया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है रादर दैन इंश्योरिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। कहते हैं इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की तरफ तो उसका कोई ध्यान था ही नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर था वो ज़्यादा। और ऐसे ही देखें, व्हाट वाज ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट बच्चों अगर आपने मेरी वीडियोज सुनी होंगी तो आंसर्स बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है, यानी इन जो 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, आवर कॉमन फ्यूचर हैड वॉर्न्ड दैट ट्रेडिशनल पैटर्न्स of economic growth were not sustainable in the long term, especially in view of the demands of the south for further industrial development. तो इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत सोच समझ के जो है खर्च करना चाहिए जो भी resources हमारे पास available हैं। और ऐसी बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, what is UNEP? तो United Nations Environmental Programme। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू कट देयर ग्रीन हाउस एमिशंस। और ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का मीनिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में ग्लोबल नॉर्थ रेफर्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ हैं। व्हाट इज ओजोन होल। It relates to the decline in the total amount of ozone in the Earth's atmosphere. और बच्चों इसी के साथ मैं इसी वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरह से क्लासेज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे।